अगली खबर में बात करते हैं सीहोर की, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं सोनकच्छ से विधायक सज्जन सिंह वर्मा नगर क्षेत्र के गांव बड़नगर पहुंचे, जहां गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का शुभारंभ में महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। श्री वर्मा द्वारा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का गमछा देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता द्वारा अपने संबोधन में जमकर भाजपा सरकार को कोसा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। कार्यक्रम का आयोजन गांधी सेवा कृषि मंदिर ग्राम बड़नगर में किया गया। भारत जोड़ो, ये जरूरत इस बात की इसलिए पड़ी कि इस देश में महंगाई का तांडव है। इस देश में जब मेरे देश का नौजवान जॉब की बात करता है तो हिजाब का झुंझुनट उसके हाथों में दे दिया गया। रोजगार की बात, मेरे देश के नौजवान, करोड़ों नौजवानों की आंखों का सपना चूर चूर हुआ। उसे सपने दिखाए थे कि मेरी सरकार बना दो, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार। जब राहुल गांधी यात्रा में चल रहे हैं तो हजारों लाखों नौजवान मिल रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। आप कभी दिल्ली जाओ तो एक दिन ये बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको, बहुत बड़ा, इंडिया फॉर सेल, भारत बेचने के लिए। और किनको? दो चोरों को, कौन है? अडानी और अंबानी। इसलिए मेरे नेता राहुल गांधी को आवश्यकता पड़ी कन्याकुमारी से काश्मीर तक पैदल यात्रा। साथियों, मैं अनुरोध करता हूं, मैं तो तमाम जगह घूमता हूं प्रदेश में, लेकिन जितने कार्यकर्ता बुद्धि विधानसभा में हैं, मैं कहता हूं किसी दूसरी विधानसभा में इतने कार्यकर्ता कांग्रेस के मिले नहीं मिलते। साथियों, हमसे चोर पूछते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया। चोरों, 60 साल में कांग्रेस ने जो हवाई जहाज, हवाई अड्डे बनाए थे, जो रेलवे और रेलवे स्टेशन बनाए थे, तुम सारे के सारे तो बेच रहे हो। सारे हमारे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन भोपाल का बेचा कि नहीं? रानी कपलापति का महल अपने आंसू बहा रहा है, उसका नाम का उपयोग करके स्टेशन बेच दिया। और हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया।